अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, अभी 14 अगस्त गुजरी है, कि हमारे मुल्क को बहुत सेफ एंड साउंड रखे, एंड वी ऑल ऑन आर ओन पार्ट वी कैन प्ले अ रोल इन मेकिंग पाकिस्तान अ बेटर प्लेस टू लिव, जहाँ टॉलरेंस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हो। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट यू। और मेरे एक यंग फॉलोअर हैं, उन्होंने आज मुझे बकायदा जो है बहुत रिक्वेस्ट की कि आज आप प्लीज़ हर हाल में वीडियो बनाएं, आपने टीज़र कब का डाला हुआ है और आपकी वीडियो नहीं आई है, एंड आई एम वेटिंग। सो थैंक यू वेरी मच टू माई दैट टाइनी लिटिल फॉलोअर, एंड हेयर आई एम। जैसे कि मैंने अपने टीज़र में आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपको मलीर कैंट कराची का एक वाक्या सुनाऊंगी, जो कि अगेन मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है और इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो इससे पहले कि मैं आपको वाक्या सुनाऊं, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आप सारा दिन हर रोज़ कोई ना कोई रिसर्च गैदर करती हैं, लोगों से वाक्या सुनती हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड कैसे करती हैं? नथिंग फैंसी, आई यूज़ माई फ़ोन एंड आई ऑलवेज़ कैरी अ नोटबुक विद मी, वेदर आई एम इन स्कूल, वेदर आई एम विजिटिंग समवन, और अब थोड़ा बहुत जो है मुझे लगता है कि मैं कहीं जाती हूँ तो लोग जो है मुझे वैसे ही अपने वाक्य आके सुनाना शुरू हो जाते हैं, फॉर विच आई एम मच ऑब्लाइज्ड बिकॉज आई एम ऑलवेज़ ऑन अ लुकआउट फॉर न्यू मटीरियल। तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि प्लीज़ आप मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजें एट द ईमेल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मेरी एक छोटी सी डायरी है, एग्जाम्पल वेयर आई कीप ऑन जॉटिंग डाउन, और अब तो मुझे इतनी आदत होगी कि मैं शॉर्ट हैंड में भी सारा वाक्या जो है वो लिख लेती हूँ। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। पहला वाक्या शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी जो फ्रेंड है उनके जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में हैं अभी भी, तो उनको हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत लास्ट स्टेज है हेपेटाइटिस बी की और इतनी कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो खैर वो बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, तो वो एक दिन गए अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, तो ये और ही बात कराची की है, तो वहाँ उनके शीशे पे किसी ने ऐसे करके नॉक किया। उन्होंने देखा तो एक आदमी जो था जिसको वो पहले कभी नहीं जानते थे वो उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, तो पहले वो समझे कि शायद कोई मांगने वाला है, क्या उन्हें क्या माफ़ करें आप जाएँ, लेकिन ही कैप्ट ऑन वॉकिंग, वो वहाँ खड़ा रहा, वो वहाँ से गया नहीं, और वो सिंधी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। तो जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड को सिंधी तो नहीं आती थी, और वहाँ से हट भी नहीं रहा था, वो कुछ बोले जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो ये चाह रहा था कि वो उसके साथ कहीं जाएं। तो अब आप सोचें एक स्ट्रेंजर वो आपको इस तरह कुछ कहे कहीं जाने को, तो डेफिनेटली यू डोंट फील सेफ कि पता नहीं क्या चक्कर है। तो जब वो पेट्रोल अटेंडेंट जो फ्यूल भरने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि आप अगर ट्रांसलेट करके मुझे बता सकते हैं तो आप बताएं कि ये क्या कह रहा है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस आदमी ने जिनसे वो पहली दफ़ा जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड से मिला था, उस आदमी ने कहा अपनी ज़बान में कि आपको, आप बहुत बीमार हैं और आपको एक यहाँ थोड़ी यहाँ से थोड़ी दूर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, उनका नाम अब्दुल्ला है, बहुत अल्लाह वाले, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह दुआ करेंगे, आपका इलाज भी करेंगे और आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पहले तो भाई जो थे बिल्कुल इस तरह स्टंड हो गए कि ये इनको कैसे पता, खैर अल्लाह का नाम लेके वो उनके पीछे चल पड़ा। तो वो उनको उन्हीं अब्दुल्ला साहब के पास लेके गए और अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि उन्होंने कुछ दुआएँ वगैरह पढ़ी और उनको एक हार दिया, एक और उसके ऊपर जो हैं छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस, इनको हम छोटी छोटी टहनियाँ ट्विक्स जो होते हैं, वो हार उन्हें दिया और वो हार मतलब उनके आप कह लें कि चिन से थोड़े नीचे तक उसकी लेंथ थी। उन्होंने कहा आप ये हार पहन लें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा और आज की रात जो है आप पे ख़ास तौर पे बहुत भारी है, तो अगर आज की आपकी रात गुजर जाती है इंशाल्लाह तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी, बल्कि आप फील करेंगे कि मतलब मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। तो खैर वो आपको पता है जब एक इंसान डेस्परेट होता है तो वो हर तरह के मेजर्स लेने की कोशिश करता है। खैर वो भाई जो थे वो
अपना वो नेकलेस गले में डाल के वो घर आ गए। अब जब वो घर आए तो ये मेरी फ्रेंड के अपने अल्फाज हैं, उसने ख़ुद ये देखा, उसने कहा कि निमरा वो जो हार था वो चिन से स्ट्रेच होके बिल्कुल नीचे तक उसकी लेंथ हो गई। और कहती है ये मैंने ख़ुद अपने आँखों से होते हुए देखा, जहाँ उसकी लेंथ इतनी थी और वो बिल्कुल नीचे तक उसकी लेंथ पहुँच गई और बिल्कुल वो जो था इस तरह करके स्ट्रेच हो गया। तो खैर वो लोग बड़े हैरान हुए कि जी क्या बात है क्या है। तो अगले दिन भाई ने अपने डॉक्टर के पास जाना था टेस्ट कराने के लिए। तो जब डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गए द डॉक्टर्स वर इन शॉक, दे वर स्टंड। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी करें कैरी ऑन वो करते रहें, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट्स थी और जो अभी रिपोर्ट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है एंड वी आर जस्ट एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स के ये कैसे हुआ है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी इस तरह होना था, तो जो है वो अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी और उसका जो वसीला था जो उसका सामान था वो अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला साहब की सूरत में किया। तो खैर फिर ये हुआ उसके बाद के फिर भाई ने एक और वाक़या बताया कि अब्दुल्ला साहब ने उनको एक दिन अपने घर दावत पे बुलाया और उनको कहा कि आप आइए मेरे घर, मैं आपकी दावत करूँगा। तो भाई जो थे वो उनके घर जब दावत पे गए तो उन्होंने देखा कि दावत पे तो और कोई भी नहीं है, मतलब दस्तरखान बिछा हुआ है और प्लेटें रखी हैं, सब कुछ है और कोई और मेहमान उनको नज़र नहीं आया। तो भाई ने कहा कि अब्दुल्ला भाई बाकी लोग किधर हैं? तो अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हैं बस आपको नज़र नहीं आ रहे। और फिर खाना लाया गया, दस्तरखान पे खाना चुना गया, खाना रखा गया। तो अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ज़रा आइए मैं आपको दूसरे कमरे में थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूँ। तो जब थोड़ी देर के लिए वो उनको दूसरे कमरे में लेके गए भाई को, और जब भाई वापस आए उन्होंने कहा कि जो जो खाना रखा हुआ था बिल्कुल, जो सर्विंग डिशेस थी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और उनमें कोई खाना नहीं था। तो उन्होंने कहा आप बैठिए, अब हम खाना खाएंगे, जिन मेहमानों ने पहले खाना खाना था वो खा चुके हैं और अब हम खाना खाएंगे। तो खैर एक तो ये एक वाक्या हुआ उनके साथ। फिर दूसरा ये हुआ कि मलीर कैंट में जो उनका घर था, आपको पता है कि वो घर काफ़ी पुराने बने होते हैं और वहाँ बहुत सारे ख़ानदान आके बसते हैं, जैसे सबकी पोस्टिंग होती है, डिफरेंट फैमिलीज आती हैं। तो वहाँ ये हुआ कि जो मेरी फ्रेंड की जो मदर इन लॉ थी वो उस वक्त ड्राइव किया करती थी एंड माई फ्रेंड डिडंट ड्राइव, मतलब वो उस वक्त ड्राइव नहीं करती थी, शी हैड नॉट लर्न, तो वो हर जगह जाती थी। तो एक दिन थक हार के घर वापस आई तो उनका एक गेस्ट रूम टाइप सा था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जो है ना वहाँ जाके ज़रा लेट जाती हूँ। तो वो जब वहाँ जाके लेटी तो उनको ये फील हुआ कि जैसे मतलब कोई उनका एक पोता या पोती जो है उनको आके ना तंग कर रहे हैं, उनके पाँव का अंगूठा दबाया है या इस तरह उनको हिलाया। तो आधी नींद में जैसे आप होते हैं आप कहते हैं कि भाई मत करो मत करो, मैं सो रही हूँ मैं सो रही हूँ, इस तरह से। तो उन्होंने खैर देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक टच फील किया कोई उनके अंगूठे को दबा के उनको तंग कर रहे हैं। तो खैर और उनकी आँखें जो थी उनकी आँखें बंद थी। अब जब उन्होंने आँखें एकदम खोली उन्होंने कहा भाई कौन मुझे तंग कर रहे, तो उन्होंने देखा कि एक येल्लो से कलर की पता नहीं एक अजीब सी चीज़ थी और वो इस तरह हवा में जो है बिल्कुल आप कह लें कि वो मौलक थी हवा में, इट वॉज फ्लोटिंग इन एयर, और वो एकदम यूँ एक बैलून की तरह एक्सप्लोड हुई ठा कर। तो वो जो थी उनकी जो उनकी मदर इन लॉ थी वो काफ़ी डर गई। तो उसके बाद ये हुआ कि जो मेरी जो फ्रेंड के हस्बैंड थे, जब उनका हेपेटाइटिस ठीक हो गया और वो अब्दुल्ला साहब की कंपनी में रहने लगे, उनके फ्रीक्वेंटली उनके घर जाने लगे, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड सेंसिंग द पैरानॉर्मल प्रेजेंस, जो कि पहले उनको ये फील नहीं होता था। और उसी कमरे में उसी गेस्ट रूम में जहाँ उनकी अम्मी को भी है उनके साथ ये वाक्या हुआ।
तो उन्होंने ये कहा कि मैं उस कमरे में बैठ के जब सूरह रहमान पढ़ता हूँ तो मुझे साफ़ लगता है कि जैसे कोई सूरह रहमान को जो है ना सुन रहा है, और मुझे जो ये बात है ये बहुत फील होती है। और आप में से तो अव्वल आप लोग चलें, कोशिश करिए कि आप इतना उस कमरे में मत जाएं, गेस्ट रूम में अगर जाएं भी तो आप लोग पाक साफ होके वुज़ू की हालत में जो है आप लोग इस कमरे के अंदर जाएं। तो फिर क्या हुआ कि जो उनकी एक नेबर थी जो उनके साथ वाले घर में रहती थी, उन्होंने कहा कि हम लोग भी कुछ साल पहले जब हमारी पोस्टिंग हुई हम लोग इसी घर में रह के गए, और मुझे भी कुछ फील हुआ कि जैसे हमेशा ना मेरे साथ कोई चीज़ चलती है, और जब मैं ख़ास तौर पर सो रही होती हूँ तो मुझे कोई जगा के कहता है कि उठें नमाज़ पढ़ें, नमाज़ का टाइम हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब आया जिसमें मुझे कहा गया कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को इस कमरे में जो है ना मत खेलने दिया करें, उनको कहा करें कि किसी और कमरे में जाके खेलें या बाहर जाके खेलें। खैर एक दफ़ा फिर ये हुआ कि मेरी फ्रेंड, वो भी बहुत जैसे होता है कभी कभी आप थके हुए होते हैं आपके जहन में नहीं रहता, तो वो भी एक दिन दोपहर का वक्त था तो वो उस कमरे में जाके ऐसी लेट गई। उन्होंने कहा कि कमरे में एक बड़ी सी अलमारी भी थी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि अलमारी का जो दरवाज़ा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खुल रहा है। ये उन्होंने नहीं देखा कि कौन खोल रहा था, इससे पहले उन्होंने चीख मार दी। तो खैर वो उनके हस्बैंड भागे भागे आए, उन्होंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या हो गया, तुमने क्यों चीख मारी। ये बैकग्राउंड में आई एम सॉरी माय कैट रॉकी, ही ऑलवेज डज इट व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो, बट आई एम श्योर यू डोंट माइंड। सो एनीवेज उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपको कहा था ना, अगर आपने इस कमरे में आना भी है तो आपने वजू करके आना है, आपने इस तरह इस कमरे में नहीं आना। तो फिर ये होता था कि उनके जो हस्बैंड थे वो अक्सर उस कमरे में बैठे रहते थे, और जो मेरी फ्रेंड है उनको वो कहती थी कि मुझे फ़ील होता था एज इफ वो किसी से बहुत देर तक बैठ के ना बातें कर रहे हैं। खैर अब्दुल्ला साहब ने उनको ये बोला कि देखें मेरे हिसाब से ना बेहतर है कि आप इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकें, और आप जो हैं इस्लामाबाद अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक दफ़ा फिर एक और दफ़ा ऐसे ही हुआ कि जो मेरी दोस्त थी वो उस कमरे में सो रही थी, तो कहती मुझे आवाज़ आई कि मेरी मदर इन लॉ और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बिल्कुल मेरे जो है सिरहाने खड़े होके ना किसी बात पे बहस कर रहे हैं। तो कहती हैं कि मतलब मैंने मैंने कहा भी कि भाई मैं सो रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कहीं और जाके बात करें, मैं वही जैसे आप आधी नींद में होते हैं, आप डिसओरिएंटेड होते हैं, आपको समझ नहीं होता, आपको बहुत चीज़ें आप क्लियरली नहीं देख सकते। लेकिन वो बहस और तकरार इतनी कंटिन्यूस हो रही थी कि वो उनको अपनी नींद से उठना पड़ा, उन्होंने आँखें खोली, उन्होंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये दो तीन इंसिडेंट्स उनके साथ हुए। फिर फाइनली अब्दुल्ला साहब ने उन्हें कुछ पढ़ने के लिए दिया, और उसके बाद उससे ये हुआ कि उनके हस्बैंड की जो पोस्टिंग थी वो इस्लामाबाद हो गई। और अभी भी आई एम श्योर उस घर में वो कहती हैं कि ये एक है कि कुछ जो बहुत पुराने घर बने होते हैं अगर उनमें फिर कोई और भी आके रहता है या कोई और फैमिली भी आके रहती है, दे ऑल्सो फेस सिमिलर इंसिडेंट्स। अच्छा आज फिर इसके बाद जो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या सुनाऊंगी, ये वाक्या मक्का का है, मक्का सिटी का। ये भी मेरी एक बहुत अच्छी मेरी कुलीग है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जेठ और उनकी जो फैमिली थे वो मक्का में रहते थे अपार्टमेंट के अंदर, तो उनके अपार्टमेंट के बाहर हर रोज़ एक बिल्कुल जेट ब्लैक एक काला बिल्ला आता था, और उसको वो लोग दूध और जो भी मतलब खाना शाना उसको वो डाल दिया करते थे। तो एक दिन ये हुआ कि उनकी जेठानी ने ज़रा ऐसी मजाक में कहा कि भाई एक रियाल का दूध तो आप ही पी जाते हैं हर रोज़, ऐसी मतलब उन्होंने मजाक किया या क्या किया। तो आप यकीन करें अगले दिन से वो बिल्ला नहीं आया, जब उनकी जेठानी ने कहा कि भाई एक रियाल का दूध तो आप ही पी जाते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए वो बिल्ला नहीं आया। तो फिर शायद उनको फील भी हुआ कि भाई मैंने गलत कह दिया है,
कौन मखलूक है, अगर सिर्फ जानवर भी हैं उनकी फीलिंग थी, समझ गए हूँ। तो फिर उनके जेठ ने, मेरी जो फ्रेंड है उनके जेठ ने, पता नहीं कोई एक दो महीने बाद हरम में वो थे, तो कहते हैं कि मैंने हरम में उसी काले बिल्ले को देखा। और मैंने बकायदा उससे जाके कहा, आप प्लीज़ आइए, आप आके हमारे घर में दूध पीजिए, दूध आपके लिए हाजिर। उन्होंने बकायदा इस तरह बात की, तो कि ताकि अगर उनको कोई नाराज़गी भी है तो वो ख़त्म हो जाए। अगले दिन से वो जो काला बिल्ला था वो फिर आना शुरू हो गया, और जितने अरसे आई थिंक वो वहाँ रहे तो वो आता है। तो इसी तरह उसी घर के अंदर एक दफ़ा उनके जेठ जो थे वो सो रहे थे, तो जो एयर कंडीशन था उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई माल फंक्शनिंग हुई, और जो वायर थी या कुछ हुआ कि उसमें आग लग गई, और वो बिल्कुल गहरी नींद में थे और उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता शोले जो थे उन्होंने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया, मतलब हत्ता के जो जो डोर नॉक थी उस पर आग तो नहीं लेकिन वो सख्त यख गर्म हो गई, बहुत सख्त गर्म हो गई। तो उनको लगा कि उनको, और बिल्कुल बेखबर सो रहे थे, तो उनको लगा किसी ने उनको जो है उनका अंगूठा हिलाया है और बकायदा उनको जो ना उठाया, वार्निंग दी, उठो उठो उठो। तो ऐसे ही जब वो हड़बड़ा के उठे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आग लगी हुई है। उन्होंने खैर जाके जब टच किया डोर नॉब को, इट वॉज बर्निंग हॉट। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैंने अभी इसको, मैं यहाँ से नहीं निकला तो फिर मैं मुश्किल है। उन्होंने उसी बर्निंग बिल्कुल उस गर्म डोर नॉब को खोला और बाहर निकले, और उनका हाथ जल गया, लेकिन अल्लाह ताला ने जान बचा ली। उनका मुझे बकायदा, मैं तो गहरी नींद में था, मुझे तो बिल्कुल कुछ होश नहीं था कि पूरा कमरा जो है उसमें आग लग गई है, और मुझे बकायदा किसी ने झंझोड़ के उठाया कि उठो निकलो यहाँ से। तो देखिए अल्लाह मियाँ की ये मिस्ट्रीज़ हैं, अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं कि क्या पता इसका कनेक्शन इस चीज़ से था कि वो एक बेज़बान जानवर को, या वो जिस फॉर्म में थे अगर वो कोई और भी चीज़ थी, उनको वो दूध पिलाते थे या कुछ करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। क्योंकि आपको पता ही है कि ये इसीलिए कहा जाता है कि जानवरों को मत सताएं, तो वैसे भी बुरी बात है। दूसरा ये कि हमें नहीं पता कि वो जानवर की फॉर्म में वो क्या चीज़ आपके सामने बैठी, हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट जो इंसिडेंट है, वैसे आई एम सो हैप्पी दिस, यू नो दिस बुक इज़ रियली हेल्पिंग मी। जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो भी एक मेरी फ्रेंड ने सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारी जो ताई अम्मी थी वो सरगोदा के एक गांव में रहती थी। उन्होंने कहा जी हमारी ताई अम्मी जो है उनके साथ बचपन से एक प्रेजेंस थी, और बकायदा हाजिर भी होते थे, और वो कहते थे कि मेरा नाम जो है ना वो रहमत खान है। ताई अम्मी बचपन में जो है किसी ऐसी रात के वक्त, पता नहीं पता, बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं मगरिब के वक्त, किसी फसल उगी हुई थी किसी चीज़ की, मतलब इट वाज अ बिग फील्ड, उसके कहीं वो बीच में जाके छुप गई। उस दिन के बाद से वो जो प्रेजेंस थे, जो जिन थी, वो उनके साथ थे। और ये हुआ कि सारे ख़ानदान वाले जो थे एक्सक्यूज़ मी, उनको इसकी आदत थी, दे गॉट यूज्ड टू इट, कि भाई हाँ ताई अम्मी के ऊपर जिन है, उनका नाम रहमत खान है। और फिर उनके आगे शादी भी हो गई, और उसके बाद भी कभी कभी वो जो जिन थे वो हाज़िरी देते थे। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक जो हमने पैटर्न नोट किया वो ये था कि जब किसी की डेथ होने वाली होती थी, और आपको पता है कि अक्सर ज़मीनों वगैरह के झगड़े चल रहे होते हैं, जब किसी की नेचुरल डेथ होने वाली होती थी या किसी इसी तरह के झगड़ों में किसी का कत्ल होने वाला होता था या कोई खुशखबरी होती थी, तो हमेशा जो वो ताई अम्मी थी उनके ऊपर ये जिन हाज़िर होता था। एक दिन क्या हुआ कि, और सबको इस चीज़ की आदत थी, देवर लाइक मतलब यूज टू इट, तो और जब उन पर जिन हाज़िर होता था वो फिर मैस्कुलिन वॉइस में बात करती थी, और जिस तरह मतलब लड़के बात करते हैं, करता हूँ करूँगा, सब एक्शंस वैसे करती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उनकी वो एक भांजी थी, उनके घर रहने आई हुई थी, शादीशुदा थी, शादी को एक दो महीने हो गए थे या क्या हुआ था, तो फिर से रहमत खान जो हैं वो उनके ऊपर हाजिर हुए। उन्होंने पहले, जैसे मर्द वज़ू करते हैं, उन्होंने वैसे वज़ू किया,
और फिर उन्होंने मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ी और उन्होंने जो वो भांजी थी उनको बोला कि आप जाइए और मेरे लिए एक बहुत अच्छी किस्म की एक आला क्वालिटी की ना रोटी बना के लाइए। तो जब वो रोटी उनके लिए बना के लाई उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द एक बेटे से नवाजेगा। और वाकई में इवेंचुअली जो उनकी भांजी थी उनके यहाँ एक सेहतमंद जो है बेटे ने उनका बेटा पैदा हुआ। तो ये आज के कुछ मेरे जो थे वाकयात थे जो कि मैंने आपसे शेयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा हर तरफ से जो है मेरे पास बहुत मटेरियल जमा होता जा रहा है जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सब्सक्राइबर्स। वो मुझे मटेरियल देते हैं, मुझे हेल्प आउट करते हैं और जो आप लोग जो सारे देख रहे हैं मैं अपना फिर अभी ईमेल नीचे मेंशन करूँगी। आप मुझे प्लीज़ अपने जो वाकयात हैं जो आपके साथ हुए, आपकी फ़ैमिली के साथ हुए, आपके फ्रेंड्स के साथ हुए, आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इंशाल्लाह अब हम लोग जो है थोड़े दिनों बाद फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।